ये क्लास 10 का सोशल स्टडीज़ का ये एग्ज़ाम का है। इसको आप कह सकते हैं कि इंटरनल असेसमेंट है। और इसमें जो इंटरनल असेसमेंट ये लिया गया है, ये हिस्ट्री का चैप्टर 1, ज्योग्राफी का चैप्टर 1, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 और इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, ये चारों का फर्स्ट चैप्टर का लिया गया है इसको। अब इसके आपके पास जो समय है, ये आप इसको जांच कर लीजिए। आप इसको 1 आवर में इस पूरे क्वेश्चन को करना है, जितना क्वेश्चन है ये 40 मार्क्स का है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 1 मार्क्स का है, इसको 1 वर्ड में, एक सेंटेंस या 20 वर्ड से मिनिमम रहना चाहिए। फिर जो 3 मार्क्स का है, उसको मतलब कि आपको 80 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो 5 मार्क्स का, उसको 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है 119। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग एमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप इन 1830 to 1848। तो ये हम इसको ज़्यादा ये नहीं बोलेंगे क्वेश्चन नंबर, आप इसको क्वेश्चन का जो 1 से जो ये सब है, इसको सिर्फ आंसर करना है। और इसके बाद इसके नीचे में जो लिंक दिया होगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, उसमें जाइएगा तो उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। और ये आप 1 आवर अपना टाइम सेट कर लीजिए, उसका लिंक जाके आंसर आप मिला सकते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन, ये जिससे हम पहले ही बोल रहे हैं कि सबका आप क्वेश्चन लिखते जाइए आंसर। और ये पूरी तरह से सिलेबस है जो 2021 को बोर्ड देने वाले CBSE का, उसके लिए है। तो उसी आधार पर इसको देखना है। आप क्वेश्चंस का आंसर देते जाइए, धीरे धीरे हम उसको ऊपर बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि अभी 10 क्वेश्चन तक 1 चले गया है, और ये आगे देखते जा रहे हैं। डिफाइन जैसे GDP जो दिया हुआ है, तो इसको कोशिश करिए कि आप इसको 20 वर्ड से नीचे ही लिखिए, GDP का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 12 क्वेश्चन तक आप इसको लिख लिए होंगे, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, सब एक एक नंबर का है। फिर जो 13 क्वेश्चन जो है, ये 3 मार्क्स का है। और जो यहाँ पर एक्चुअली 40 मार्क्स का ये एग्ज़ाम आपको दे रहे हैं कि आप लिखने के लिए, तो 4 मार्क्स का जो बोर्ड में है वो आता नहीं है, तो वो 5 मार्क्स का, इसको 5 पॉइंट देना। लेकिन इसको मार्किंग जो हम किए हुए हैं, ये 40 मार्क्स का किए हुए हैं, कि जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो एक 40 या आप 20 या इस तरीके से ले सकते हैं, स्कोर कर करके ले सकते हैं, इसीलिए इसका लिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, वो आपको मैंने कि 3 मार्क्स का है, 80 वर्ड्स में इसमें लिखना है। फिर जो 14, 15, 16 और जो 17, 18 है, ये सब जो 4 4 मार्क्स का, लेकिन इसको आपको 120 के आसपास लिखना है, माने 100 वर्ड हो सकता है, लेकिन उससे एक्सीड नहीं करना है। और जस्टिफाई जब आंसर करिएगा तो उसको पॉइंट जो देना है, तो यहाँ 3 पॉइंट दिया, इसको लिखिएगा। तो इसको पूरा लिखने के बाद देखिए इसका जो आंसर्स है, तो उसको आपको लिंक जो आपका जिसमें है, इसमें देखिए कि जो इसका जो ये डिस्क्रिप्शन है, उसमें लिंक दिया हुआ है, उसमें को क्लिक करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये 40 मार्क्स का आपका देख रहे हैं, 19 क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का है, लेकिन इसको भी, ये सबको आपको 121 में देखना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 5 मार्क्स। अब यहाँ से आप आंसर सबको जो 3 3 नंबर उसको क्वेश्चन लिख लीजिए। जैसे ये यहाँ तक देख रहे होंगे कि 13 क्वेश्चन तक, 12 क्वेश्चन तक 1 मार्क्स है, तो 12 मार्क्स हुआ। फिर ये 3 12 3 15 15 4 19 19 4 23 23 + 4 27 31 35, और ये जो 5 नंबर का है आप इसको 40, तो 40 मार्क्स का है। और इसको आप टाइम सेट कर लीजिए, 1 आवर में आपको कंप्लीट करना है। और उससे ज़्यादा टाइम होता है तो, या जिसका आंसर नहीं आ पाता है, तो इसको पहले आप जब आंसर देने से पहले एक बार फिर से चैप्टर 1 जो है, मैंने हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का देख लीजिए, उसके बाद इसको आंसर लिखिए। थैंक यू।